हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्गर वेज टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए जी, आज कर रहे हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल में, हमने कौन सा जो इंडिविजुअल सीरीज थे, इंडिविजुअल सीरीज, उस इंडिविजुअल सीरीज के हमने तीनों मेथड से हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था। सेम ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, बस हमने उसको तीनों मेथड से देखा था। तीनों मेथड्स कौन कौन से थे सर? पहला था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा था हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड या जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है जी, और लास्ट वन था स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है जी। ठीक है सर, आज क्या करने वाले हैं, आज यही तीनों मेथड्स के थ्रू हम लोग डिस्क्रीट सीरीज, कल पहले कर लिया इंडिविजुअल, आज क्या करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का हम लोग सारा तीनों के तीनों मेथड्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब जो आज जो होने वाला है, आज वाले लेक्चर में ये समझिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उसमें ना एक फ्रीक्वेंसी भी दी होगी आपको साथ साथ, ठीक है। देखिए होता क्या है, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ जी, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो एक्स अपने को दिया हुआ है, आई होप, मतलब अभी मैं बेसिक बिल्कुल नहीं लेके चल रहा क्योंकि बेसिक मैंने लास्ट लेक्चर में टोटली करवा दिया है। अगर अभी तक लेक्चर बोला नहीं देखा तो प्लीज इससे पहले बोला लेक्चर देख के आइएगा, ठीक है जी। ठीक है सर, अच्छा हमने वो लेक्चर देख लिया था, अब हम इस पे पहुंचे हैं। आइए, इसमें क्या है, एक्स हमको मान लो दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको डिस्क्रीट सीरीज में मैंने एक चीज बताई थी कल कि डिस्क्रीट सीरीज में ना एक्स के साथ साथ आपको कुछ फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। लाइक एज मान लीजिए मैं आपको फ्रीक्वेंसी यहां लिख देता हूं, यहां पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं 5, 2, 3, 10, 3, 2, 5, जस्ट एज, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो 20 है ना वो 5 टाइम्स अकर हुआ है, जो 30 है वो 2 टाइम्स अकर हुआ है, 40 जो है वो 3 टाइम्स अकर हुआ है, 50 जो है वो 10 टाइम्स अकर हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने आपका यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का मतलब है, आई तो होप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए इस तरह का कुछ कि जो 20 है वो 20 टाइम्स अकर हुआ है। मतलब क्या है कि मान लो ऐसा ऐसा एग्जांपल लगाओ कि 20 मार्क्स लेने थे तो कितने लोगों ने लिए, 5 लोगों ने लिए। 30 जो मार्क्स अकर किए हैं, 30 मार्क्स किन लोगों, कितने लोगों के आए हैं, सिर्फ 2 लोगों के आए हैं। 40 मार्क्स 3 लोगों के, 50 मार्क्स 10 लोगों के। तो इस तरह से हमारे पास ना फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये हमेशा डिस्क्रीट सीरीज में देखने को आपको हमेशा मिलेगी। डिस्क्रीट के साथ साथ हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज देखी थी, उसमें भी आपको सेम तरह से देखने को मिलेगा, मगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो आपको एक्स दिया होगा वो हमेशा ग्रुप में होगा, वो कभी भी इंडिविजुअल फिगर नहीं होगी। इज इट क्लियर, ठीक है जी। तो अपने पास अभी क्या क्या है, मान लो एक्स, ये एक तो दिया हुआ है एक्स और एक दिया हुआ है एफ, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर क्या है, फॉर्मूला। हाँ जी, लास्ट हमने देखा था कि अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिंपल था जब हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मेथड की तो उसमें सिंपल कैसा फॉर्मूला था, ये वाला। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअल सीरीज के इनडायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड की, तो वहां पे क्या था, मेन इक्वल टू ए प्लस, मतलब हम लोग कुछ अजम्पशन लेते थे, प्लस में समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिंपल ये चीज थी, ठीक है जी। ये था किसका, इनडायरेक्ट मेथड का। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड करने वाले हैं। तो डायरेक्ट मेथड में सिंपल सा फॉर्मूला लेके चलेंगे, मैं एक बार ये सारा रब कर दे रहा हूं, ठीक है, डी रब कर देता हूं। हाँ जी, होगा क्या, सिंपल है, डायरेक्ट मेथड का है ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। हाँ जी, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, बिल्कुल डायरेक्ट काम करना है। हाँ जी, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये तो था इंडिविजुअल का। अब डिस्क्रीट में एक चीज नई आ गई है, नई क्या आई है, ये फ्रीक्वेंसी आई है, क्या आई है, ये फ्रीक्वेंसी आई है। अब अगर ये चीज नई आई है तो यहां पे भी अपने पास एफ आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिंपल है, बहुत ईजी, ठीक है जी। हाँ जी, करिएगा एफ एक्स। एफ एक्स निकलेगा कैसे, अब एफ एक्स निकालने का तरीका क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई, मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हुए चलना, ठीक है। तो 25 100, 3 2 6, 600, ठीक है, सॉरी 60, कितना हुआ, 60 हुआ, अरे चलो 60, ठीक। उसके बाद क्या आएगा अपना, 4 3 12, यहाँ पे क्या आ गया, 500, उसके बाद क्या आ जाएगा, 180, फिर
140 एंड 400, ठीक है। अब अगर हम इन सभी का टोटल करें तो क्या क्या आएगा, 500, 600, 700, 800, 900, 12, 13, 14, 15, कितना आ गया, 1500, ठीक है। कितना हुआ जी, 1500 हुआ। हमारे पास मेन था, हाँ जी, मेन निकालना था। मेन निकालने में समेशन ऑफ एफ एक्स आना था। एफ एक्स कितना आया, 1500 आया, ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, हाँ जी, 1500। अच्छा जी, नीचे हम लोग क्या करते हैं, एन करते हैं, एन, हाँ जी, गिनिएगा एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं, इसमें अभी हम लोग कुछ भी गलती नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपको कभी भी डिस्क्रीट सीरीज में एक्स लेना होगा तो एक्स आप इसका टोटल नहीं करेंगे कभी भी। हमेशा किसका टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। किसका टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, एन जो होगा वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, 20 मार्क्स लेने वाले इतने स्टूडेंट, 30 मार्क्स लेने वाले इतने स्टूडेंट्स, तो ये है नंबर ऑफ पर्सन, तो इनका टोटल होगा, ठीक है जी। तो इनका टोटल एक बार जल्दी से कर लीजिए, 30, ठीक है जी। कितना हुआ, 30, कितना हो गया टोटल, 30 हो गया। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन कितना आया आप अपने पास, 30, यहाँ पर कितना हुआ, 30, हाँ जी, 3, 5, 15, हाँ जी, हमारे पास मीन क्या आया, मीन क्या आया, 50 आया, क्या है, 50, ये अपना आंसर है। ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, ये क्लियर, ठीक है जी। अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, अब इसी तरीके से मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन देके जाऊंगा। लास्ट वाले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन दिया था, उसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपका जो फीडबैक है, आप जो कमेंट में मुझे सजेशंस देंगे, आप अपना कमेंट बताएंगे कि हाँ भाई आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा है, क्या कोई सजेशन है मेरे लिए, तो मोस्ट वेलकम है। मैं उस चीज़ पे काम करूँगा, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काम करूँगा, ठीक है। तो आपके सजेशंस, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। चलिए जी, आइए, ये तो था अपने पास कौन सा, डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट मेथड की। किसकी, इनडायरेक्ट मेथड, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, शॉर्टकट मेथड। चलिए जी, इनडायरेक्ट मेथड हम फिर से वैसे ही करते हैं। हमने एक्स क्या लिया था, वही 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, यही हमने एक्स लिया था। अच्छा जी, एक्स हमने ये लिया था। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी क्या, कुछ एक बार जल्दी से देख लेते हैं, हमने क्या आउट की थी, 5, 2, 3, 10, 3, 2, 5, आ जाओ, हाँ जी, 5, 2, 3, 10, 3, 2, 5, ऐसा ही था, ठीक है जी। ये तो हो गया क्या अपने पास, एक्स। अच्छा, अब ये क्या है अपने पास, इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा अलग चलता है, अलग आइएगा, हाँ जी। मीन इक्वल टू, अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूँ और इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला पूछूँ तो आप क्या बताएंगे, सर फॉर्मूला ना ये था, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, यही था, बिल्कुल सर यही था। अच्छा, ये तो था किसका, इंडिविजुअल का। अब यहाँ पे मैं कुछ नया आया है, नया क्या आया है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं आई है, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने को इस फॉर्मूले को बनाना होगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने करना क्या है, ये जो अपने पास समेशन ऑफ डी एक्स है ना, एक सेकेंड, समेशन ऑफ डी एक्स है, बस यहाँ पे हमने एक चीज नई लगा देनी है, उस नई चीज का नाम क्या होगा, एफ। हमने ऊपर भी एफ लगाया था, हमने यहाँ पे भी एफ लगाया है नया, ये है, और हमने यहाँ पे भी एक नया एफ लगा दिया जो कि ये है। सिंपल है, फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला रट्टे मत मारो ना, फॉर्मूला को थोड़ा सा अच्छे से याद करने की, समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, सिंपल है, ठीक है जी। आइएगा, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ जी। एफ एक्स, अब पहले हमने क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, डी एक्स, फॉर्मूला में जाइए, डी एक्स, हाँ जी, डी एक्स कैसे निकलता है जी, मुझे कोई बता सकता है, डी एक्स कैसे निकलेगा, सर हमने कल ना किया था कि डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो ना कुछ अजम्पशन लेनी होगी, क्या लेनी होगी, ये वाली अजम्पशन लेनी होगी। चलिए, अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं 40 की, किसकी ले लेते हैं, 40, इस 40 को, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, अज्यूम्ड मीन जिसे हम कहते हैं, अज्यूम्ड मीन, नॉट अजम्पशन, अज्यूम्ड मीन कहते हैं इसे कहते हैं अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो हमारा अज्यूम्ड मीन, हमने मान लिया कि इस पूरे सीरीज का एक मीन है जो कि क्या है,
40 है, ठीक है जी। अब अपना 40 अपना मेन आ गया, ठीक है। अब dx निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना होता है x माइनस जो भी एज्यूम्ड मीन होता है वो। तो x माइनस एज्यूम्ड मीन मतलब कि 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 40 माइनस 40, 40 50 माइनस 40, 60 माइनस 40, 70 माइनस 40 एंड 80 माइनस 40, सिंपल, ठीक है जी। तो 20 माइनस 40 कितना होगा हमारे पास, माइनस का 20, ओके। 30 माइनस 40 क्या होगा, माइनस का 10, 40 माइनस 40 कितना होगा, 0, 50 माइनस 40 कितना होगा, 10 होगा, प्लस का फिर 60 माइनस 40, 20, एंड फिर 70 से 30 एंड 80 से 40, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर मैं आगे बात बढ़ाऊं तो क्या होगा, क्या माइनस 20 से प्लस 20 कट गया, बिल्कुल सर कट गया, ठीक है। लेकिन सर 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 ये ना एज्यूम्ड मीन वाला है, और पता है कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। जैसे हमने ऊपर एक मिस्टेक करने से बचाया अभी आपको, क्या मिस्टेक करने से बचाया था, कि हमने अगर एन लेना है तो एन इसका टोटल नहीं लेंगे, किसका टोटल लेंगे, इसका बोल तो फ्रिक्वेंसी का टोटल लेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक होने से बचाया जा सकता है अपने को। कैसे बचाएंगे, तो आइएगा, हमने एग्जैक्टली क्या निकालना है, क्या हमने डी एक्स का टोटल लेना है, नहीं जी, हमने समेशन के, अच्छा समेशन का मतलब समझ में आता है ना, इस समेशन का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो हमने क्या समेशन किसका लेना है, डी एक्स का लेना है, नहीं सर, हमने तब समेशन लेना है एफ डी एक्स का, किसका, एफ डी एक्स का, डी एक्स का टोटल लेना, एफ डी एक्स का टोटल लेना है, हाँ जी। तो एक बार जल्दी से बताइए एफ डी एक्स क्या होगा, हाँ जी, 20, अगर मैं डी एक्स निकल गया, ये अपने पास क्या आया, डी एक्स आया, और इस डी एक्स को मैं अगर एफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या एफ डी एक्स आ जाएगा, हाँ जी सर आ जाएगा। तो 5 2 10, सिंपल है, माइनस का 100 आ जाएगा, ओके जी। फिर उसके बाद माइनस का 20 आ जाएगा, अच्छा 0 है तो 0 से 0 0 हो जाएगी, अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का 100 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, प्लस का 60 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर से प्लस का 60 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, प्लस का 200 आएगा। समझ में आया ना, कैसे कैसे 5 4 20, तो 200 सिंपल मल्टीप्लाई किए, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा काटना पीटना चाहूँ तो काटूंगा पीटूंगा क्या, माइनस 100 से प्लस 100 कट गया, ओके जी। उसके अलावा कुछ और आपके पास कट रहा है, हाँ जी सर, एक चीज़ और कट रही है, क्या कट रहा है, अपने पास माइनस 20 है, माइनस 20 से हमने 60 काटा तो कितना बचा अपने पास, 40 बचा, ओके जी। तो 260, 260 और प्लस 40 बोले तो 300, कितना आया, 300, हाँ जी। ये क्या है अपना समेशन ऑफ एफ डी एक्स, कितना आ गया, 300 आ गया। अब अगर हम इसको फॉर्मूले पुट करें, अजम्पशन क्या थी, हाँ जी जल्दी से बताइएगा, अजम्पशन थी सर हमारे पास 40 की, ओके जी, प्लस में समेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या आया, 300 आया, एंड एन क्या था, एन सर हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, एफ की फ्रिक्वेंसी का टोटल कर देंगे, मतलब फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी का टोटल कर देंगे, समेशन ऑफ एफ, एफ जो है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। और ये कितना आया था हमारे पास लास्ट टाइम, 30 आया था, कितना आया था, 30 आया था। तो अभी 300 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, मैं अब वही सेम बोलूंगा, बोर्ड मार्क्स का हमेशा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखिएगा, वरना गलती मेजर होती है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, हाँ, जो भी पोर्शन में है अपना फ्रैक्शन में, उसको कट करेंगे, 0 0 कट गया और यहाँ पे गया 10, हाँ जी, 40 प्लस 10 हो गया, एंड 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 हो गया। हमारे पास मीन क्या आया, फिर से 50 आया, मीन क्या आया, 50 आया। क्या ऊपर भी हमारे पास मीन जो था वो 50 आया था, बिल्कुल सर, आंसर क्या था हमारे पास, ये था मीन क्या था, 50 आया था, ठीक है जी। मीन यहाँ पे भी क्या आया हमारे पास, 50 आया, सिंपल है, सिंपल है। इनडायरेक्ट मेथड समझ में आया सभी को, हाँ जी, डायरेक्ट मेथड समझ में आया, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। और इनडायरेक्ट मेथड में अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, लेकिन साथ ही साथ हम लोग अज्यूम्ड मीन को भी प्लस लेके चलते रहे। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया, अगर सबको समझ में आया तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेम क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं, और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा एक्चुअल मीन अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल मीन कितना है, 50 है, हमने दोनों मेथड से करके देख लिया, ओके जी। आइए एक बार जल्दी से फिर से हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 20 30 40 50 60 70 एंड 80, ओके जी, 80 आ गया क्वेश्चन में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कुछ दी हुई थी, क्या कुछ दी हुई थी हमारे पास, 5 2 3 था ना शायद, 5 2 3 10 3 2 5, ठीक है, हाँ जी, कितना था, 5 2 3 10 3 2 एंड 5,
ये हो गया हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी। अब अपने पास एक्स भी है एंड एफ भी है, बोल दो फ्रीक्वेंसी भी है। ओके अच्छा, लास्ट हमने जब देखा था इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, तो हाँ जी फॉर्मूला क्या था एक बार जल्दी से आइए बताते हैं, क्या था मेन का फॉर्मूला, क्या था मेन इक्वल टू ए, अजम्पशन किया था हमने, ओके जी अजम्पशन किया था, प्लस में समेशन ऑफ डी एक्स डैश, डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। और मैंने कहीं बताया था आपको, कई कई बुक्स में आपको सी की बजाय आई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। सी का मतलब क्या था, एक कॉमन फैक्टर था, ठीक है कॉमन फैक्टर। हाँ जी चलो पहले आपको कॉमन फैक्टर का ही मैं बता दूं, लेकिन कॉमन फैक्टर से पहले आपको इस जो अपना डिस्क्रीट सीरीज है उसका फॉर्मूला हम लोग इससे जनरेट करते हैं, आइएगा। हाँ जी कैसे होगा, अगर हम मैं बात करूं स्टेप डेविएशन किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की, तो समेशन ऑफ ए, समेशन ऑफ ए ए सॉरी समेशन कह रहा हूँ, ए बोल तो एज्यूम्ड मीन क्या होगा, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, ठीक है इतना सेम था, ओके इतना सेम था। अब हम लोग जो करने वाले हैं, हमारे पास एक मेन एक्स्ट्रा चीज आई है इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग डिस्क्रीट सीरीज में एफ, ठीक है तो सेम होगा प्लस समेशन ऑफ क्या हो जाएगा एफ, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। तो कुछ चेंज हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एफ आया, क्या आया एक्स्ट्रा, क्या आया सिर्फ और सिर्फ एफ आया और कुछ भी नहीं आया, यही है सिंपल है, ठीक है जी। आइए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक बार जल्दी से। हाँ जी चलिए एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, अच्छा लाइक आपने को कल मैंने आपको कहा था कुछ भी एज्यूम्ड मीन मान के चलिएगा, ठीक है तो हमने लास्ट 40 के अकॉर्डिंग निकाला, इसमें मान लो चलो 40 को छोड़ के हम लोग 50 का निकाल के देख लेते हैं, हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है 50, लेट्स अज्यूम कितना है 50, ठीक है अच्छा 50 है। अब हमने जो ए लिया है वो कितना आ गया अपने पास 50 आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास सी, सी क्या होगा, सी होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखिएगा क्या कुछ होगा यहाँ पे, इसमें थोड़ा अलग है, हाँ जी गैप कितना 10 का, गैप कितना 10 का, गैप कितना 10 का, गैप 10 का, गैप 10 का, गैप 10 का, तो कॉमन फैक्टर क्या आया सी, क्या आया अपने पास 10 आ गया, सी क्या आया 10 आ गया, ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा अब हमें क्या करना होगा, डी एक्स डैश निकालना होगा, डी एक्स डैश, हाँ जी डी एक्स डैश निकालना है, डी एक्स डैश निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता क्या है, हम लोग डी एक्स निकाल लेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस ए कर देते हैं, बोल तो एक्स माइनस ए जो सीरीज होती है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं, लेकिन ये कौन सी है स्टेप डेविएशन मेथड है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी करना होगा, तो कुल मिला के अगर मैं डी एक्स डैश का फॉर्मूला कहूँ तो क्या हो गया एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, सिंपल होगा बहुत सिंपल है, ठीक है जी। अच्छा बहुत सिंपल है, आगे आइए बढ़ते हैं। अब अगर हमें डी एक्स डैश निकालना है तो क्या होगा, अब हमें करना क्या होगा 20, क्या करना होगा 20, हाँ जी अब हम लोग माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे कितना कितना करना होगा 50, क्यों है क्यों करना होगा, क्योंकि हमने एज्यूम्ड मीन क्या माना है 50 माना है, ओके जी आइए। हाँ जी डी एक्स निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट का, हाँ जी क्या होगा 20 माइनस कितना होगा 50, 50 क्या है एज्यूम्ड मीन है डिवाइडेड बाय सी क्या है कॉमन फैक्टर बोले तो 10, हाँ जी 20 माइनस 50 इक्वल टू माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10, हाँ जी 10 थ्री सर 30, तो अपने पास यहाँ पे डी एक्स क्या आया पहला का माइनस 3, कितना आया माइनस 3, सिंपल है ठीक है जी। बाकी मैं लिख नहीं रहा पूरा पूरा, सिर्फ ये लिखता हुआ चलूंगा। हाँ जी सेकंड क्या बनेगा 30 माइनस 50 बोल तो 20, 20 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है मैं एक बार अब इसको रब कर दे रहा हूँ, अब इसको रब कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है यहाँ पे फर्स्ट क्या आया था अपने पास माइनस 3 आया, माइनस 3 आया, फिर आया माइनस 2, उसके बाद क्या आएगा 10 रहेगा तो 10 में से कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं क्योंकि 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, तो 0 से डिवाइड 10 करेंगे तो वो ऑलरेडी 0 होगा, 60 में से 50 होगा तो 10 और ये आ जाएगा प्लस का 1, फिर 70 में से होगा तो 2 20 होगा तो आ गया 2, एंड 80 में से गैप आया 30 का तो 30 अकॉर्डिंग हो गया 3, ठीक है जी। ओके क्या इनको कट करें, नहीं सर कट नहीं करना, क्यों नहीं करना क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें डी एक्स डैश नहीं निकालना, हमें निकालना है क्या एफ डी एक्स डैश, क्या निकालना है एफ डी एक्स डैश। अब जो ये सब कुछ आया, ये जो सब कुछ आया है इन सब कुछ सबको एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, किसके साथ एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है जी एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो एफ डी एक्स निकल आएगा, एफ डी एक्स कैसे, हाँ जी 5 थ्री 15 माइनस का 15, ओके जी फिर 2 टू 4 माइनस का 4, 3 वन 3 माइनस का 3, ठीक है 10 जीरो 0 सिंपल है, ठीक है जी 3 वन 3, 2 टू 4 एंड 5 थ्री 15, कितना आया 15 आया। हाँ जी अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप लोगों ने ना थोड़ी भी प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ी हो,
जो मैंने आपको थ्योरेटिकल एग्जांपल्स में थ्योरीज करवाई थी, प्रॉपर्टीज करवाई थी मेन की, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी आप एफ डी एक्स निकाल लेंगे ना, तो हमेशा उसका जो समेशन होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे हुआ? माइनस 15 से प्लस 15 कट गया, माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, माइनस 4 से प्लस 4 कट गया। आंसर क्या आया? एफ समेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या आया? समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश क्या आया? जीरो आया। क्या आया? जीरो आया। सिंपल था, ठीक है जी। क्या सर जीरो आ गया तो क्या आंसर भी जीरो होगा? नहीं जी, आंसर जीरो नहीं होगा। हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन करके देखेंगे। आइए जी, फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला था मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कितना था अपने पास? 50। ओके जी। प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स, एफ डी एक्स कितना आया है? जीरो। कितना आया? जीरो। ओके जी। उसके बाद डिवाइडेड बाय एन, एन बोले तो एन कितना था? एन किसका? फ्रीक्वेंसी का टोटल। एन कितना? फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसे एफ समेशन ऑफ एफ या फिर एन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 30। कितना आएगा? 30। ओके जी। डिवाइडेड बाय 30 और जो कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर कितना था अपने पास? 10 था। ओके जी। अच्छा अब इसको कंफ्यूज नहीं होना, अपने होगा क्या, जीरो डिवाइडेड बाय 30 कितना आया? जीरो आया। कितना आया? जीरो आया। प्लस में 50 है, इनटू में 10 है। हाँ जी। अब यहाँ पे बोर्ड मास बहुत बहुत मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं करनी, हमने 50 प्लस 0 नहीं करना है। सिंपल सी चीज, हम लोग बोर्ड मास करते हैं ना, एक सेकंड रुकेगा, इधर नहीं हो रहा शायद। हाँ चलिए छोड़िए, बहुत बहुत मेन होएगा यहाँ पे बोर्ड मास, ठीक है। तो 50 प्लस 0 नहीं करना अपने, अपने पहले क्या करना होगा? 0 इंटू 10 करना होगा, ठीक है जी। तो 10 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 50। हाँ जी, 50 प्लस 0 इक्वल टू 50। कितना आया? 50 आया। तो अपने पास मीन क्या निकल कर आया? मीन आ गया जी 50। क्या मीन 50 ही आना चाहिए था? बिल्कुल सर, मीन 50 ही आना चाहिए था, क्योंकि हमारा अगर हम देखें तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी 50 ही आया है, और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू देखें तो 50 ही आया था, और आपने जो अभी क्वेश्चन किया इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया हमारे पास? 50 ही आया है। इज इट क्लियर जी? तीनों मेथड्स के थ्रू देखो क्वेश्चन सेम है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी क्वेश्चन अलग है तो अलग 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 अलग। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, एक ही क्वेश्चन लेते हुए हम लोग तीनों के तीनों मेथड्स को इम्पोज करते हैं, अप्लाई करवाते हैं, और उसके बाद सेम आपको मैं दिखाता हूँ कि हाँ भाई ये देखो मेन देखो सेम आ रहे हैं। तो तीनों का तीनों के मेथड से मेन जो है वो कैसा आया है? सेम आया है, तीनों के मेथड से 50 आया है। क्लियर है जी? ठीक है जी। अब आप इनको इन क्वेश्चंस को करो, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप वहाँ पे भी आप इजिली मैसेज कर सकते हैं मुझे, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7494840179 पे कि जी हमारा ये क्वेश्चन अटका हुआ है, हमें इसमें प्लीज सजेशन दो या बताओ हमें ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। तो आप इजीली पूछ सकते हैं मुझसे। आप नेट के अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो इस पे भी मुझे कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पे, ठीक है जी। उसके अलावा कोई भी क्वेरी हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या नेट की कोचिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे बेफिक्र होकर क्वेरी अपनी ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब जा सकते, एक क्वेश्चन आपको मैं दे जाऊं, उस क्वेश्चन को करिएगा और उसका मुझे आंसर बताइएगा कमेंट में, तीनों मेथड से करने, ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, ठीक है जी। एक सेकंड, हाँ जी, आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। हाँ जी, लिखिएगा 5 10। आपको एक्स दिया हुआ कितना? 5 10 15 20 25 30 and 35। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको दी हुई है 4 5 6 8 7 3 and 2, ठीक है जी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट मेथड भी निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी निकालना है, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू भी निकालना है, और लास्ट जो आपका है स्टेप डेविएशन मेथड, इसके थ्रू भी आपको ये मीन निकालना है। ये बात याद रखिएगा, तीनों का जो मीन आएगा वो कैसा आएगा? ऑलवेज सेम आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेम है, मेथड ही बस हम लोग चेंज कर रहे हैं, मीन हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है जी। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ अपने इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट में भर भर के अपना प्यार बताइएगा मुझे, बताइएगा कि फीडबैक आपका कैसे है, आपको कैसी लग रही है वीडियोस, ठीक है, लेक्चर्स कैसे हैं। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।